बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत मौजूद है। आज हम PP 149 में, जहां पर IPP के अब्दुल अलीम खान और उनके मदे मुकाबिल PDI के हाफिज ज़ीशान कंटेस्ट कर रहे हैं। देखना ये कि आज के सर्वे में कौन किसको वोट कास्ट करना चाहता है। हमारे साथ सलामकुम, क्या नाम है सर? आसिफ। किसे वोट दे रहे हैं इस दफा? नवाज शरीफ। क्या वजह? उसने काम करवाए हैं, बाकियों ने तो कुछ किया ही नहीं, इसलिए दे रहे हैं, कारकर्दगी की बिना पे दे रहे हैं। कारकर्दगी की बिना पे दे रहे हैं। क्या लगता है कि अगर आ गए तो क्या करेंगे? मंशूर सुना आपने उनका? हाँ जी सुना। क्या चीज अट्रैक्ट की है उसमें? वो दोबारा इंशाल्लाह कारोबार बहाल हो जाएंगे, नौकरियाँ कह रहे हैं सबको मिलेंगी, सारा कुछ हो जाएगा। अब तो काम बर्बाद हो गए हैं, उम्मीदें वाबस्ता है फुल। इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं जी, और मजीद जानते हैं कि लोग आखिर किसे वोट कास्ट करना चाहते हैं। इन भाई से भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, किसे वोट दे रहे हैं इस बार? अभी ज़हन कोई नहीं बनाया, कोई ज़हन नहीं बनाया, ज़हन माइंड कर दिया। पिछली दफ़ा किसे दिया था? पिछली दफ़ा नहीं दिया किसी को भी, पिछली दफ़ा भी नहीं दिया था। इनसे भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, किसे वोट दे रहे हैं इस दफ़ा? वोट मेरा तो अपना अपनी करनी है, जिसे भी कह, पिछले मरतबा तकरीबन दिया नून लीग को दिया था, तो वो तो आई नहीं। आप सपोर्ट किसे करते हैं, किसे चाहते हैं, किसे देखना चाहते हैं? किसे दे, महंगाई को कंट्रोल करेगा जो, वही हमारे लिए बेहतर है। जो महंगाई को कंट्रोल करेगा वही बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट दे रहे हैं इस दफा? जिसको आप कहेंगे। आप किसे पसंद करते हैं ये बताएं? मैं तो अभी कुछ सोचा नहीं है। पहले किसको वोट दिया था? पहले तो मुस्लिम लीग नून को दिया था। तो इस बार नहीं मियां साहब का वोट है? अभी कोई पता नहीं क्या है, सोच नहीं, सोचा नहीं अभी तक, सोचा नहीं। इतना मुश्किल कर दिया इस दफा इन्होंने कि आपने सोचा ही नहीं है? बिल्कुल सोचा नहीं, इसी तो महंगाई कर दी, पानी के बिल डबल डबल हो गए, तो क्या फायदा हुआ? इतना पानी यूज नहीं करते जितना बिल आ रहे हैं, मुश्किल होगी जिंदगी। कैसा निजाम चाहते हैं? निजाम बस सोई है, अल्लाह ही बेहतर करने वाला है, अल्लाह ही रोजी दे रहा, बाकी कोई बात नहीं है। बेशक बेशक, इसमें जी कोई शक नहीं कि अल्लाह की जात है जो हमारा, जिस तरह के हालात हो गए ना मुल्क के, जो चला रहे हैं। वो ही चला रहा है, बंदे के बस की बात नहीं। बेशक बेशक, किसका वोट है जी? नून लीग। क्या वजह? उन्होंने काम किए, बाकी किसी ने काम नहीं किए? मंशूर सुना है, देखा है आपने मियां साहब का इस दफा काम कराए रहे हैं, और काम कर। क्या लगता है क्या करने वाले हैं इस दफा? है कि फिर महंगाई कट कर रहे हैं, तीन बार पहले भी आए थे, कितनी महंगाई कम थी उनके दौर में भी आएंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय आपके साथ शेयर कर सके। जी भैया, किसको वोट दे रहे हैं? इमरान खान को। क्या वजह है? वो लीडर है। बहन किसे वोट दे रही है इस दफा? किसी को नहीं, किसी को भी नहीं, कोई नहीं पसंद। माँ जी किसको वोट दे रही है? किसी को भी नहीं, कोई नहीं पसंद, नहीं। सख्त नाराजगी, कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। अच्छा जी भैया, किसका वोट है इस दफा? PDI। किसका वोट है? शेर को जाएगा, शेर। अच्छा जी, अंकल से बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, किसका वोट? शेर का। बड़े जज्बे से बताया आपने, क्या वजह? शेर यार, जब तक जिंदगी है शेर पे वोट देना बस। कारकर्दगी की बिना पे? कारकर्दगी अच्छी है उनकी, उनकी कारकर्दगी है सारी, ये देखे सारे काम उनके ही हो रहे हैं। किसका वोट है जी? शेर का। तो बल्ले ना, शेर है जी, शेर, सारे शेर दे वोटर ने। मंशूर देखा है इस दफा उनका? नहीं अभी कुछ नहीं देखा, देना वोट शेर को ही है। अच्छा उनका वोट है? जब तक नवाज शरीफ रहता है तब शेर को वोट। कारोबारी बंदे को नुकसान है उनके आने से, मगर फिर भी बात वोट उनका है। हालांकि आप भी कारोबार ही कर रहे हैं? कारोबार कर रहे हैं, उनके अलावा कोई दिन करते ही नहीं, उनके आते ही ना चीजें सस्ती हो जाती है, ये हालांकि हमें नुकसान है, लेकिन फिर भी मोहब्बत है उनके मियां साहब के साथ। मियां साहब के साथ। आपका भैया किसका वोट है? PDI का वोट है। ये तो डर रहे हैं लोग ना, डर के शेर से डर रहे हैं, मेरा PDI का ही वोट। डर रहे हैं आप शेर से? नहीं डर नहीं रहे, हम शुरू से ही उसको डालते हैं, हमारा वोट अब भी उसी का ही है, डरना क्यों है? वो कह रहे हैं हम शुरू से डालते हैं। ये महंगाई की वजह सारी इमरान खान के दौर से शुरू हुई है, 40-50 साल हमारी उम्र हो गई है, एक वोटर है वो बस, जो भी हुआ है इमरान खान के दौर से शुरू हुआ है। अपने दिल मानने की बात है ना, आपका दिल चाहे जिसको मर्जी डाले,
मेरा दिल शेर को कह रहा है, मैंने आपका बल्ले को कह रहा है, बल्ला तो वैसे भी निशान ही नहीं ना रहने दिया। आगे आए ना, आगे आए, आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा उन्होंने चेंज कर दिया, जो निशान चेंज किया। आपके इलाके से हाफिज निशान खड़े हो रहे हैं, वोट कास्ट करेंगे उनको? चले जी आगे बढ़ते हैं जी। किसका वोट है? किसी का भी नहीं। किसी को नहीं देना? नहीं, कोई एक पसंद कर ले। कोई भी नहीं है, सब चोर है। सब कोई भी नहीं पसंद? नहीं, नहीं। कोई एक बीच में लीडर लगता हो के काम करेगा? कोई भी नहीं है। नवाज शरीफ आके अपना ही जेबे भर के चले जाना है। ये भरते हैं। अंकल जी किसका वोट है? मेरा शेर का। क्या वजह? वजह ये सबके सामने ही है, वजह कारकर्दगी की बिना पर। कारकर्दगी बिना पर और कोई बिना नहीं है। लगता है महंगाई कम होगी, आएंगे तो? नहीं, स्टार्ट में नहीं होगी, इट विल टेक टाइम। एक साल यानी एक साल के बाद कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा एज कम्पेयर टू पीटीआई। उन्होंने तो उनके आने से बहुत सी कंपनीज बंद हुई, कोई परफॉर्मेंस इतनी भी नहीं थी। बस एक जज्बा उभारा गया था यूथ के अंदर, जो कि गुमराह किया गया था उनको। मैं नहीं एग्री करता। हाँ जी, ये बहन से जानते हैं, वोट किसे दे रहे हैं? हम तरीके लबैक पाकिस्तान को। माशाल्लाह बहन, आप किसका वोट है आपका? किसी का भी नहीं है। अंकल जी किसका वोट है? कभी सोचा नहीं वोट कितना पाना। हाँ जी, कभी सोचा ही नहीं। सोचा ही नहीं है जी। अच्छा, किसको वोट दे रहे हैं इस दफा? इमरान खान। आप किसको वोट दे रहे हैं? इमरान खान जिंदाबाद। पिछली दफा इमरान खान को। हम इमरान खान के जान भी देंगे। क्या वजह है? अच्छा आदमी है, इंतकामी निशान ले लिया है, कंटेस्ट पता नहीं करने देते हैं कि नहीं देते। इंशाल्लाह वोट इमरान खान। इमरान खान इंशाल्लाह कामयाबी, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान। भाई इमरान खान पता क्यों बताऊं? ईमानदार आदमी है। ये तो मुल्क छोड़ के भाग के फिर आए हैं दोबारा। अब लंदन से आ गए वापस। ये हम तो लंदन से आप वापस आए। अच्छा, आपने, आप सीनियर सिटीजन है, इतने हुकूमती दौर देखे हैं आपने, आपको क्या लगता है कि ये जो मियां साहब है, लोग कहते हैं जी बड़ा एक्सपीरियंस है, आएंगे तब ये तब्दीली ले आएंगे, बेहतरी ले आएंगे? ये तब्दीली नहीं ला सकते। मेरी एफ ए तालीम है, मैं प्राइमरी स्कूल का कोर्स किया, टीचर था पंजाब का, मैं रहने वाला हूँ। शहबाज शरीफ वजीर आला था, मैंने आर्डर नहीं हुआ, मैं सिक्योरिटी गार्ड बांध के बैठ गया हूँ। ये कहाँ तब्दीली ला सकते हैं? मैं 25 साल इधर सिक्योरिटी गार्ड ही कर ली है, 13 साल मैं तालीम हासिल की थी। मैं किसी, मैं गाँव का रहने वाला हूँ, खुशाब का रहने वाला हूँ। ये तब्दीली नहीं ला सकते। हम डरने वाले नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि उसका निशान क्यों छीना? सारों का निशान वही है। कौन सा फरार हो रहा हमारे मुल्क के अंदर? निशान नहीं छीना चाहिए। अच्छा, इंतखाबी निशान जो ले लिया उससे कोई फर्क पड़ता है? जो चाहने वाले हैं पहचान लेंगे? कोई फर्क नहीं है। हाँ जी, कोई फर्क नहीं है। इंतखाबी निशान जितना मर्जी छीन ले, हमारी दिल हमारी जान इमरान खान। कैसे पहचानेंगे? यहाँ से हाफिज निशान है, मालूम है आपको? जी, कंटेस्ट कर रहे हैं, हमें सारी मालूम है, जहाँ जहाँ हमारा कैंडिडेट, हमें सब मालूम है। उसको सपोर्ट करेंगे फुल दिलो जान से, सपोर्ट करेंगे। कोई डरना नहीं हमने, कोई झुकना नहीं, ना बिकना हमने, बिकना भी नहीं है। अच्छा जी, किसका वोट है भैया? अस्सलाम वालेकुम, किसका वोट है इस दफा? शेर का। शेर, शेर का वोट है। किसे वोट देना है भाई इस दफा? शेर को। भैया वोट किसे दे रहे हैं? इमरान खान को। किसको देना है? अच्छा जी, हाँ जी, इंतखाबी निशान ले लिया है, कोई बस लेने, इलेक्शन पता नहीं लड़ते हैं कि नहीं? इंशाल्लाह लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे? कैंडिडेट को पहचान लेंगे यहाँ के, क्यों नहीं पहचानते? सिंबल्स याद किए हुए हैं, कोई बात है, जो मर्जी कर ले। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। भैया किसका वोट है? वोट नून लीग का। नून लीग का वोट है। अच्छा जी, अंकल जी किसका वोट है? हर किसी को जितना देता है। कोई एक दसो तानू केड़ा पसंद जे? बाजी जेदा भी मिल गया ओही अच्छा आएगा जिन पाणा। माजी किनु वोट पाना जे? गरीब ते सारे ओंजी बेचारे भूखे, कारोबार कोई नहीं है, ता बच्चे वेले बेचारे ओसे तरह, को गरीबां दी सुनेगा ते वोट भी पा दांगे। गल तुहाडी बिल्कुल सही। हां ओही कह के फिर वोट भी पा दांगे। किने किने कोलो थोड़ी जी उम्मीद है के जेड़ा आवेगा ते गरीबां वास्ते सोचेगा? ये ते कंफ्यूज होया, केड़ा सुनेगा? इन्नी डेट ते असी ते पीपल पार्टी नु वेखण दे, उहनां नु दूसरियां नु वेखण दे, कोई ऐसा साडा सुनण वाला ही नहीं है के जिदे अगे असी भी फरियाद करीए। मियां साहब कह रहे ने मैं आ गया ते मैं खुश कर देंगा लोगों नु, गरीब दी, गरीब दे सर हैगिया ओ आणा है ते देखो के इन्नी देर पहले दा भी आया सी ते की कीता गरीबां ने उहने।
कोई सोच काम नहीं करने दिया हमें। कोई नहीं करने दिया काम, क्यों नहीं करने दिया इतनी देर। बहन आप किसको वोट दे? हमारे मुल्क के लिए अच्छा है, जो भी आए अच्छा आए, बस हमारी यही दुआ है जो भी आए अच्छा आए मुल्क के। ठीक हो गया जी, परेशान है किसको डालें, कोई अच्छा आएगा तो फिर ही है ना पता लगेगा कि वाकई इसने अच्छा गरीबों का सोचा। कभी वोट दिया आपने किसी? हाँ जी डालते रहे हैं, इमरान खान को भी डाला है पहले, इसको नवाज शरीफ को भी डाला है, लेकिन कोई भी नहीं है कि जो गरीबों का हकदार लगता है सही आपको अपने वोट का? इसी बात की तो सोच में पड़े हैं कि किसको डालें, कोई अच्छा आएगा तो डालेंगे। अच्छा चंद दिन रह गए हैं लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे कंफ्यूज हैं कि उनको नहीं समझ आ रही कि असल हकदार कौन है, वोट किसका जी? इमरान खान। क्या वजह है? ईमानदार आदमी है, 32-32 हज़ार बिल आया रिक्शे ड्राइवरों को, किसी को 18 हज़ार किसी को 20 हज़ार, कहाँ से जमा कराना, ये 17 महीने का बेड़ा करेगा जो इतना बिल आया है। सारे रिक्शा ड्राइवर परेशान हैं, 32 हज़ार रुपया बिल अमाउंट है, 500-600 हज़ार कमाने वाला बंदा कहाँ से बिल जमा कराएगा किराए के मकान में, मुझे बताएं आप। एक महीना फ्री राशन आटा दिया है रोजे का, साथ ही डबल रेट उसका कर दिया, वो जो फ्री दिया वो सब गरीबों से निकाल लिया, अब भी वही काम। कौन सही करेगा ये निजाम? इमरान खान करेगा इंशाल्लाह से, इन सबको सबको इमरान खान सही करेगा। किसका वोट है भैया इस दफा? टीएलपी का वोट है। किसका वोट है इस दफा? ओहो ये बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सोचे कैसे जवाब दें इसका? पहले किसे दिया था ये बताएं? पहले नूली को दिया था, अब नहीं दे रहे? अब पीटीआई का है। मियां साहब से? मियां साहब से मोहब्बत है लेकिन वोट जो है ना पीटीआई का है। मोहब्बत मियां साहब से, वोट पीटीआई का। किसका वोट? पीटीआई। क्या वजह? बस वजह सिंपल, पहचान लेंगे अपने इलाके से कौन है, आपको पता है कौन कैंडिडेट है? देख लेंगे अभी है टाइम। बहन किसको वोट दे रही है? हम इमरान खान को। बुजुर्ग भी हो साडे, सीनियर सिटीजन भी है ने, हुकूमती दौर भी देखे ने, तुसी किनु देना चाहिदा जी? मेनू तो जेड़ा कहेगा पहले, मैं पहले जेड़ा के वोट ओदा होया। पहले किनु दित्ता सी ओ दसो? पहले ते इमरान खान नु दित्ता सी। वोट किसे दे रहे हैं इस दफा? वोट पता नहीं किसको देना ये तो पता नहीं। पहले किसे दिया था? पहले पीटीए को दिया था, नवाज शरीफ को भी दिया था। अब मियां साहब को वोट नहीं देना? पता नहीं उनको किसको देना, ये बात है नहीं सोचा अभी तक, सोच लेंगे। ये पता है किसको देना वोट, ये बात है जो काम अच्छा करेगा उसके उसको मिलेगा वोट, ये बात। अभी तो वादे कर रहे हैं ना, जब आप मौका देंगे तो काम करेंगे ना? वादे नहीं, वादे नहीं पूरे होते इसके, कोई वादा वफा नहीं। हाँ जी ठीक हो गए, यहाँ पर एक अंकल मौजूद है, इनसे बात करते हैं पहले। किसको वोट दे रहे हैं? मैं किसे नहीं दे रहा। ऐ सही गल की थी तुसी, क्यों नहीं देना है अभी दस दो। बस शनाख्ती कार्ड नहीं है का। माँ जी किनू वोट पाना जे? यार क्रॉस ना हो जे। किसको ना? कोई नहीं पसंद, जिसको मर्जी डाल देंगे जब आएगा टाइम। बहन किसको वोट डालना है? नवाज शरीफ को। क्या वजह? उसके ज़माने में सस्ती चीज थी, उमरा भी सस्ता था। अच्छा माशा, अब तो बहुत महंगा। आपने किसे देना वो? हम भी शेर को ही देते हैं। शेर को देना है? अच्छा जी, यंगस्टर की आवाज़ आ गई है। ठीक है, आप कहती हैं कि महंगाई कम हो जाएगी, महंगाई कम। किसे वोट देना माजी दसो? नवाज शरीफ। क्या वजह? हंसते हो तो मैं परेशान हो गई, मजाक तो नहीं कर रहे? पक्की गल है? वजह भी दसो ना, क्यों देना चाहते हैं? जिधर हमारे वजह ये भी, हमने इनका ना साम किए हैं। अच्छा ठीक है, जो मरियम नवाज है वो हमारी रहायश इधर मनसब की दोस्त भी है। ठीक है, तो हमारे खानदान, हमारा रिश्ता, हमारी बेटी, हमारी वो इज्जत है, इसलिए इनको देने चाहते हैं। जबरदस्त जी, ठीक हो गया। बहन किसको वोट दे रही है? पीटीआई। कंफ्यूज सा आंसर है, पक्का पक्का दे। किसी नए बंदे को भी मौका देना चाहिए ना, तो इसलिए पहले तो बहुत सारे आए और देख लिया, तो अब उम्मीद है कि ये शायद आवाम की उम्मीद पे उतरे पूरा, इसलिए इनको देंगे। किसका वोट? नून लीग। क्या वजह? इंशाल्लाह वो अच्छी कौम है नून लीग, अच्छे बंदे हैं वो। वोट किसे दे? हम देंगे जी शुबाग शरीफ को। क्या वजह? वजह नहीं, फिर आगे नहीं जाना बस। अच्छा। आपने सवाल किया शुबाग किसे वोट दे रहे? नून लीग को। क्या वजह?
बस वो काम अच्छा करते हैं। मंशूर, आपने इस पर उनका देखा है, सुना है, पढ़ा है? नहीं, ये कि पहले उन्होंने उनका पहले हुकूमत आई है, उन्होंने काफ़ी काम किया है इसमें, देखें लाहौर में देखें काफ़ी काम किया। अभी आने वाली जो उनकी हुकूमत है उसके लिए उन्होंने एक मंशूर मैनिफेस्टो बनाया है, उस वो पढ़ा है आपने कि क्या क्या काम वो करने वाले हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करें? वो हमने अभी नहीं पढ़ा, तो अभी पहले मैं तो पिछला देख रहा हूँ, देखें उन्होंने कितना लाहौर में कितना काम कराया, काफ़ी देखे तरक्की याफ्ता उन्होंने, देखे लाहौर को बना दिए हर जगह, दिनों रोडें बना दी हैं, मोटरवे बना दी है, देखे मेट्रो ट्रेन बना दी है। आपको लगता है कि वो आएंगे तो बेहतरी आई, बेहतरी है, ठीक हो गया। किसका वोट है जी? नून लीग का ही है। आपका भी नून लीग का वोट है, किसका वोट है जी? नून लीग। वोट किसे दे रहे हैं? हम 6 वोट डालेंगे शेयर में इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला वोट इस तरफ पीडीआई का, इंशाल्लाह ताला हमारे खान का वोट है, इंशाल्लाह जान अल्लाह की है और वोट इमरान खान का इंशाल्लाह ताला। इंतखाबी निशान ले लिया है, 8 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं, इंशाल्लाह जैसे ही 8 फरवरी आएगी इंशाल्लाह हम अपने प्यार का, मोहब्बत का, खलूस का मुजाहरा दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे आगे जितनी मर्जी रुकावटें आ जाएं हम खान को वोट देंगे इंशाल्लाह ताला। अपने कैंडिडेट के सिंबल को कैसे पहचानेंगे भी मालूम है यहाँ से कौन? मैं कह रहा हूँ खान को जौन सा मर्जी सिंबल मिल जाए, हमारा वोट खान का है बस। हमें 8 फरवरी को भी बताएंगे कि इस बंदे को वोट देना, हम खुद जाकर उसे वोट दे के आएंगे, उन्हें कंपेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। किसका वोट है जी? नवाजी मियां साहब। क्या वजह है जी? मंशूर बना इस दफा का उनका? लाद मेरी बहन बेहतर हो जाएगी, मियां साहब आएंगे ना, लाद बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह, उम्मीद है। किसको वोट दे रहे हैं इस दफा? मौलवियों को। टीएलपी का वोट आपका? किसका वोट है जी? पीपल्स पार्टी को दूंगा मैं वोट। क्या वजह? वैसे ही दिल कर रहा है मेरा, बेनजीर इनकम टैक्स के उन्होंने पैसे भी लगाए हैं 8,500 रुपए 3 माह में देते गरीबों को, इस वजह से। सिर्फ इस वजह से? किसका वोट है भैया इस दफा? शेर। क्या वजह है? वजह सबके सामने, कारकर्दगी की बिना पे दे रहे हैं। 2018 के बाद हालात देख ले। मंशूर पर है इस दफा का आपने? जी बिल्कुल। क्या लिखा हुआ उसमें? बिलावल कहता है इन्होंने तो मंशूर भी मेरा कॉपी किया है। नहीं नहीं, बिलावल की कौन, बिलावल को कौन जानता लाहौर में या पंजाब में? आप उसको नहीं जानता? नो, हम तो नहीं जानते, हम तो मियां साहब को जानते हैं। क्या वजह उनको वोट कास्ट करने की? कोई वजह? वजह यही है, काम है, सी पैक है, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ तो वो आपको पता क्यों नहीं हुआ? आपका सब पता है, तो बस यही रीजन है। आगे बढ़ते हैं, वोट किसे दे रहे हैं जिस पीटीआई? इंतखाबी निशान ले लिया है, कैसे सिंबल पहचानेंगे अपने कैंडिडेट्स? वो इनकी वेबसाइट पे चेक कर लेंगे और वोट कास्ट कर लेंगे। किसे वोट दे रही हैं जिस दफा? नाशी को। मियां साहब का वोट है। किसका वोट है जी इस दफा? मियां साहब का। क्या वजह है? बस वजह हमें पसंद है, काम तो किए हुए ना पहले उन्होंने, जो खाया तो कुछ लगाया भी है मुल्क के ऊपर। अच्छा, तुसी मानते हो कि उन्होंने खाया? हाँ जी खाया, हम मानते हैं, लगाया भी है, नजर भी आता है। मंशूर परा तुसी? हाँ जी, सॉरी ते मंशूर परया उन्होंने, मंशूर सबका बड़ा हमने। बिलावल कहता है कि जी मेरा मंशूर इन्होंने कॉपी किया जी, बड़ा जो भी है हमें उम्मीद है, बस वो करे या ना करे, उम्मीद पे दुनिया कायम है, अल्लाह पे दुनिया कायम है, और इंशाल्लाह ताला आएगा तो कुछ ना कुछ करा ही है, करेगा ना इंशाल्लाह ताला। किसका वोट है इस दफा? मैडम वोट किसको क्या डाला, ये बिल देखे 19,130 रुपये बिल आ गया है, हमने कौन सी घर में कहना, मैं मिल चला रही है, फैक्ट्री को बिल दिया, 2,000 की गैस हमारे घर से जा रही है, तो उसका ड्राइवर हम बिल देंगे या क्या करें? जो सवारी नहीं है, कारोबार नहीं है, गैस 300 रुपये किलो है, घर में पंखा नहीं है, एक ए सी किधर से चलेगा? आप आके चेक तो करें, गैस आती नहीं है, सुबह 6 बजे आती है, 10 बजे चली जाती है, फिर 2 बजे आती है, 5 बजे चली जाती है, बिल इतना इतना भेड़ है, गरीब आदमी किधर से दे? वोट के लिए आप इकट्ठे हो गए, किसको डालेंगे? वोट उसको डालेंगे ना जो सुकून देगा। कौन सा अच्छा दौर देखा है आपने जिसमें महंगाई कम थी, बिल कम आते थे? कौन सा अच्छा दौर देखा? ऐसा तो कोई भी नहीं, हमारे बड़े कहते कहते मर गए, अच्छा दौर तो कोई भी नहीं आया, हमने कहते कहते मर जाना, वो अच्छा वो अच्छा, कोई भी नहीं अच्छा, सारे अपनी जेब भरती हैं घर में। कोई ऐसा लीडर जिससे कोई उम्मीद हो कि आएगा तो गरीब के बारे में सोचेगा? इमरान खान या नीम खान है, सिर्फ वो लोगों की मदद कर रहा है, लोगों को सोच रहा है, उसके अलावा तो जो आया सारे लूट के चले गए। किसका वोट? वोट पीडीआई का। पीडीआई काम अच्छा करेगा, जो करेगा तो। इंतखाबी निशान ले लिया है, पता नहीं कंटेस्ट करते हैं कि नहीं खान साहब। करेंगे
करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। आपके पीपी से आपको मालूम है यहाँ से कौन सा कैंडिडेट है पीटीआई का? हाँ, सब सब जमशेद उसे कास्ट कर रहे हैं। वोट सिंबल याद कर लिया है क्या? इंतखाबी निशान है विकेट। अच्छा जी, इनको इंतखाबी निशान भी माशाल्लाह पता है। अच्छा मुझे ये बताओ कैसा निज़ाम चाहते हो, क्या लगता है कि ये लोग आएंगे तो गरीब के बारे में सोचेंगे? ये देखो ना, आजकल 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 इतना बच्चा मियां साहब को कहता वो चोर है, हमारे जेर में पड़ गया मियां साहब चोर है, हमारे आने वाली नस्लों को पता वो चोर है, बाहर भागे रहे जब वो पकड़ा गया फिर आ गए मुल्क में। ऐसा निज़ाम थोड़ी है, जब पैसा इकट्ठा किया और भाग गए लंदन, मैं भी बीमार हूँ मुझे लंदन भेजें, ये भी बीमार है आप भी बीमार है, आप क्यों नहीं जा रही, आपको रोड क्रॉस करना मुश्किल है। जी किसका वोट है भैया इस दफा? इमरान खान का। क्या वजह है? बस इमरान खान को ही वोट देना है और किसी को नहीं देना। मियां साहब का वोट नहीं इस दफा? किसी का नहीं है, सिर्फ इमरान खान। मियां साहब ने अपना मंशूर जो पेश किया उसमें इतनी चीजें उन्होंने बताई हैं, नौकरियां देंगे, किसको देंगे, गरीब को रिलीफ देंगे, हर लीडर वो हर लीडर कह रहे हैं आपको घर देंगे, नौकरियां देंगे, आपका कर्जा उतारेंगे। कौन उतार रहा है? कोई भी नहीं, हम खुद ही उतार रहे हैं। कौन उतारने वाला? कमाते हैं, रक्षा चलाते हैं, अपना कर्जा उतार रहे थे, ये तो कोई बात नहीं। पिछले चार साल से सुनते आ रहे हैं नौकरियां मिलेंगी, सबको मिलेगा, बच्चों की अच्छी पढ़ाई होगी, कोई चक्कर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब दुनिया वैसी की वैसी है, रक्षा वाला कमाएगा खाएगा बस, बाद में कुछ भी नहीं करेगा। बेशक जी, ये एक रियलिटी है कि आपने खुद कमाना है और खुद खाना है। ये जो निज़ाम है ये सिर्फ आप खुद ही चला रहे हैं। इनसे भी अंकल से बात कर लेते हैं, किसको वोट दे रहे हैं शेर को जनाब? क्या वजह? मंशूर पर है आपने सफा? हाँ जी, मंशूर बहुत अच्छा। बिलावल कहता है इन्होंने तो मंशूर ही मेरा कॉपी किया, इन्होंने क्या कॉपी करनी है? बहुत बहुत अच्छा मियां नवाज पागल है वो। हां, ये शहजादा शेर है और ये वाकई शेर है। किसका वोट है जी? नवाज शरीफ। मियां साहब का वोट है जी? किसका वोट है जी? हाले तो नवाज शरीफ का ही है, अगे तो देखो नवाज शरीफ। नवाज शरीफ जिंदाबाद। क्या वजह है? हम शुरू से हम जानते हैं बायोग्राफी सारी कुछ। किसका वोट है? किसी के नहीं। किसी का नहीं? किसी के नहीं। क्या वजह है? किसी को नहीं देना, कोई इच्छा नहीं लगता? किसी को नहीं देना वोट, ये सब झूठे आदमी है। वोट जो है ना बहुत अच्छी चीज है, अरे तो शौर वाले आदमी को देना चाहिए। किसको वोट दे रहे हैं? पीटीआई को। क्या बात है, इंतखाबी निशान ले लिया है कैंडिडेट का, मालूम है कि क्या इंतखाबी निशान? लब लांगे हम छोड़ दियो, लब लोगे तुसी। किसका वोट? क्या वजह? मियां साहब जिंदाबाद। किसको वोट दे रहे हैं भैया? किसे वोट दे रहे? किसे वोट देना है जी? इमरान खान। किसका वोट है? इमरान खान का। किसका वोट है? जिससे भी जो वोट। इमरान खान का वोट किसका है जी? इमरान खान। किसका वोट देना है? इसको, इमरान खान को। आगे बढ़ते हैं जी। किसका वोट है जी? वोट कैदी नंबर 84 का। हाँ जी बताएं। हमारा पसंदीदा लीडर है वो। पसंदीदा लीडर है। हाँ जी, बाहर फेंक दिया जेल में, हमारी खातिर वो जेल में। बल्ले का निशान ले लिया, अपने कैंडिडेट को कैसे पहचानेंगे? हम पहचान लेंगे, उसकी शक्ल पहचानेंगे, उसकी फोटो पहचानेंगे जी, उसकी बॉडी जिधर उसकी फोटो होगी उधर स्टैंप लगाएंगे। वो अच्छा बंदा है, जबरदस्त जी। हाँ जी, किसका वोट है? मैं तो किसी को नहीं देना। किसका वोट है जी? कैदी नंबर 804। इंतखाबी निशान ले लिया, कैसे पहचानेंगे अब कैंडिडेट्स को? बिल्कुल होगी पहचान, क्यों नहीं होगी? हमारे यहाँ कैंडिडेट नहीं है, हमें नहीं पता, हम जिसे प्यार करते हैं उसे जानते भी हैं। अच्छा ये भाई कुछ कह रहा था, हाँ जी क्या कह रहे हैं इंतखाबी निशान के बारे में? मैंने कहा इंतखाबी निशान तो चलो बल्ला ले लिया, कोई बात नहीं। वोट किसे दे रहे हैं? वोट बताओ भाई, पूछ के देंगे। किसका वोट है? वोट तो ये दिया तो नवाज शेर का ही। रिश्ता बताएं। यहां कजन है वो, कह रहे हैं ये बताएंगे। हाँ। भाई होना बड़ा, उसे दे देंगे जिसे भाई कहेंगे उसे दे देंगे। किसे कहेंगे आप? नवाज शरीफ को ही। क्या वजह जी? शुरू से उसको ही दिया है। मियां साहब का मंशूर पढ़ा आपने? नहीं, शुरू से उसी दे रहे हैं हम। बिलावल कहता है कि मंशूर इन्होंने मेरा कॉपी किया, इन्होंने क्या हुकूमत करनी है?
नहीं, शुरू से कुछ नहीं किया है, उसके दौर में महंगाई नहीं थी। कारकर्दगी की बिना पे आप देना चाहते हैं? तरक्याती काम जितने भी हमने तो उनकी नज़र में, उनकी दौरे को मतलब देखे, मेट्रो ट्रेन वाशरूम चलाई, फुल पूर उम्मीद है आप। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। किसका वोट है इस दफा? वोट महमूद खान आशिक से। किसका वोट है जी इस दफा? वोट शेर का इंशाल्लाह। शेर का, शेर को। वोट किसका, वोट किसका भैया इस दफा? किसी का भी नहीं। किसको वोट दे रहे? पता नहीं। किसका वोट अंकल जी? पीटीआई। पीटीआई का किसका वोट है? लबाई का। टीएलपी का वोट है? इन भाइयों से जानते हैं किसका वोट है जी? पीटीआई। किसका वोट है? इन भाइयों से भी जान लेते किसका वोट है जी? अभी तो कोई पता नहीं किसको देते हैं वोट, पीटीआई को देते हैं या तरीके लैबैक को? पीटीआई को देते हैं या टीएलपी को देते हैं? आगे बढ़ते हैं जी, वोट किसको देना है इस दफा? शेर को इंशाल्लाह। क्या वजह है? इंशाल्लाह वोट देना शेर को देना। किसका वोट है इस दफा? सबका ही है। नवाज शरीफ। वोट किसे देना है इस दफा? नवाज शरीफ। किसका वोट है भैया इस दफा? वोट पीटीआई का। किसका वोट है? शेर। वोट किसका है? इसीलिए हम उसको लाइक करते हैं। किसका वोट है जी? नून लीग। किसका वोट है? नून लीग। वो पीछे तो भाई हैं भैया, किसे वोट दें? राजू। किसे वोट दें? क्या वजह? क्या वजह है? वजह किसका वोट है? यार अस्सलाम वालेकुम। वोट किसी नु पाना जे तुसी? पाऊंगा वोट। किन्नू? इमरान खान है, नवाज शरीफ भी है, वो दुनिया बड़ी है, अच्छा राजा। अस पहाड़ी इलाके के लोग, ठीक है, पहाड़ी इलाके के लोग, जो बंदा अच्छा हो, मुल्क वास्ते अच्छा हो, पाई छोड़ा, वो सानू चाहिए। जो महंगाई कम करेगा जी, इनको वो चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी, और मजीद लोगों से जानते हैं कि वोट किसे देंगे। किसका वोट है जी इस दफा? शेर का। क्या वजह है? काम की वजह से, जो उन्होंने कहा। किसका वोट है भैया? शेर का। किसको वोट दे रहे हैं इस दफा? इंशाल्लाह कप्तान को, पीटीआई। किसका वोट है? किसी को भी नहीं। क्या वजह? जाया गया ना वोट दिया तो। इतनी नाराजगी, कोई एक पसंद कर ले, वोट ना जाया करे। इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने बड़ा कुछ किया, इसलिए जब जाने को अंदर डालता हुआ पीटीआई का इंतखाबी निशान ले लिया है। पहचान लेंगे कैंडिडेट को अपने? इंशाल्लाह खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। पछतावा तो नहीं ना होगा इंशाल्लाह। पीटीआई का जी इनका वोट है, आगे बढ़ते हैं। बहन किसे वोट दे रही है इस दफा? किसी को भी नहीं, कोई नहीं पसंद। किसका वोट है जिस दफा? हमारे वोट ही नहीं है। अच्छा, इंदिराज ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी। सपोर्ट किसे करते हैं ये बताएं? सपोर्ट तो अभी तो किसी को भी नहीं कर रहे हैं। पीटीआई का बड़ा आया था रुझान, तो वो भी फ्लॉप हो गई। अब फिर पुरानी जितनी भी जमातें हैं वही ओपन हो रही हैं, किसी की किसी से बनती नहीं है। मुल्क का कोई सोच ही नहीं रहा है। महंगाई, पेट्रोल, पानी, सुई गैस, इन चीज़ों की ज़रूरत है वो तो मैसर ही नहीं है। तो बाकी नून लीग का शोर है इस दफ़ा, और चांसेस भी हैं। अब ये अल्लाह ही जानता है कि आप किसे देखना चाहते हैं। हम उसे देखना चाहते हैं कि जो जो मुल्क के लिए बेहतर हो, अल्लाह पाक उसे जगा दे। थैंक यू जी, थैंक यू। माँ जी हैं यहाँ से, माँ जी की राय शामिल कर लेते हैं। माँ जी, किन्हों वोट पाना चाहिए? हमने तो शुरू से शेर को दिया है। वजह? बस शुरू से हमने दिया है। किसी और को भी चांस दे दो। क्या है, मैं शुरू से हम उनको ज़्यादा मैं चाहत कर रही हूँ, इसलिए मैं उन्हीं को देती हूँ। इस दफा भी उनका वोट? उन्हीं का वोट। ठीक हो गया अंकल जी, किसका वोट है इस दफा? नवाज शरीफ।
शेर को। मियां साहब का? मियां साहब, मियां साहब का मंशूर पढ़ा है आपने? हाँ जी। बिलावल कहता है वो इन्होंने हमारा कॉपी किया है। बिलावल झूठ बोलता है। झूठ बोलता है, ये लोग सही कहते हैं। उम्मीद है इनसे कोई काम करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह इनसे कराएगा इंशाल्लाह। किसका वोट है? वोट तो किसी को भी नहीं देना। किसी को भी? किसी को भी नहीं देना। कोई एक पसंद कर ले, शायद कोई मुल्क में बेहतरी आ जाए। कोई कुछ तो आप ये लाने वाले हैं, जरा अल्लाह से डरो आप भी क्यों मुल्क का और बड़ा अगर करना है कुछ तो अल्लाह से डरो। अस्सलामुअलैकुम, किसे वोट दे रहे हैं? इमरान खान को देंगे। क्या वजह है? ये तो आपको ही पता है, हमें बताने की क्या जरूरत है? बल्ले का निशान ले लिया है, अपने कैंडिडेट के सिंबल को पहचान लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। किसका वोट है भैया? अस्सलामुअलैकुम, मियां नवाज शरीफ साहब का है। क्या वजह है? ए, पूरे काम कर रहे हैं, लीम साहब खान का सारे काम कर रहे हैं। 5,000 रुपया फी बंदे को दे रहे हैं, ये अच्छे काम करते हैं, इन्हें पुल शुल बनाए हैं सारे, सारा कुछ कर रहे हैं, ये गरीबों का सारा कुछ। मियां साहब का मंशूर पढ़ा है आपने? जी इंशाल्लाह। बिलावल कहता है कि मेरा मंशूर कॉपी किया, इन्होंने क्या गवर्नमेंट किया? नहीं, इन्होंने सारा कुछ किया, इन्होंने सारे ये सारे जितने काम बंद हुए थे सारा इन्होंने खोला, ये सारे लीम खान साहब का लाए थे, उन्होंने कहा था कच्ची। लीम खान का वोट है आपका? किसका वोट है? मैं लीम खान के साथ भी हूँ। जो बड़ा शेर देना है शेर को देना है, ये छोटा देना काफ को देना है, इंशाल्लाह ये हमारे इंशाल्लाह जीतेंगे, मियां नवाज शरीफ साहब जीतेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। ये भैया वापस आएगा तो पूछेंगे किसका वोट है जी? इमरान खान का। किसका वोट है? किसका वोट है इस दफा? इमरान खान का। मामा इमरान खान ही आएगा। किसका वोट है? अभी कोई इरादा नहीं किया अभी वोट देने का, तो है ही नहीं, सोचा ही नहीं है अभी। अभी सोचा ही नहीं है किसको दें वोट, दो सारे ही चोर हैं, किसे दें? किसको वोट दे रहे हैं? मैं छोटा लीम खान को बड़ा शेर को। अच्छा जी, सही हो गया। भैया किसे वोट दे रहे हैं इस दफा? किसी को भी। कोई नहीं पसंद? कोई भी नहीं पसंद। वोट किसे दे रहे हैं इस दफा? वोट इस दफा पीटीआई। पीटीआई इंतखाबी निशान ले लिया है, कौन कंटेस्ट कर रहा है मालूम भी है? हमारे जो इलाके में है वो लतीफ खोसा साहब है। ठीक है, के उनका इंतखाबी निशान है तो इंशाल्लाह। मियां साहब से कोई मोहब्बत है नहीं? मोहब्बत बड़ों ने नहीं की तो हम कैसे कर ले। मंशूर पेश किया उन्होंने, उसमें बहुत सी फैसिलिटीज दी हैं उन्होंने, इतनी कई वादे कर लिए हैं, नौकरियों के वादे कर लिए हैं, गुर्बत खत्म करने के वादे तो हर कोई करता है हमसे, जिंदगी भर सारे ऐसी गुजरी है वादों के साथ ही। उनके मंशूर ने यानी आप पे कोई असर नहीं किया? नहीं, अभी तक फिलहाल कोई असर नहीं किया। हाँ जी, सेम 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 है जी, ख्यालात इनसे राय जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, किसे वोट दे रहे हैं? इमरान खान का, सिर्फ और सिर्फ। क्या वजह? जिसने हमें शऊर दिया, हमारे बड़ों ने सारी जिंदगी इन चोरों को देखा है और हम भी अब इन चोरों को ही देखें, ये हमें पागल बनाए जा रहे हैं, लेकिन अब हम पागल नहीं बनेंगे। मियां साहब का मंशूर पड़ा है आपने सुना है, इतनी चीजें उन्होंने, इतनी बातें, 95 तो उन्होंने कर दिया था यूनिट कर दिया, इन्होंने ही महंगा किया, अब यही काम करेंगे क्या फायदा? बेवकूफ समझा इन्होंने हमें। वोट सिर्फ इमरान खान का है और किसी का भी नहीं है। कैंडिडेट को पहचान लेंगे, सिंबल तो ले लिया इंशाल्लाह ताला। आगे बढ़ते हैं जी और ज्यादा से ज्यादा राय आपके साथ शेयर करेंगे। किसको वोट देना है भाइयों ने मेरे? इमरान खान। पीटीआई। इमरान खान ने जो काम किए ना वो नवाज शरीफ कभी सोच भी नहीं सकता। इमरान खान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है सेहत कार्ड का, गरीब आवाम के लिए ये बहुत सहूलत उसने दी है, इंशाल्लाह हमारा जान भी देने को तैयार है खान साहब। किसे वोट देना है? मेरा जेन है दोनों के ना दे, क्योंकि दोनों में कौन सा हमें खाने को देना है, कमाना है तो खाना है ना। बात तो सही है, कहिए उन्होंने देना है खाने के किसी के लिए, उन्होंने तो अपनी जेबों में डालना है, एक ने भर ली दूसरे ने भर ली, बाद में आपस में लड़ाई करके जाना है। बात तो सही है, वैसे खुद कमाना है और खुद ही फिर खाना है। किसे वोट दे रहे हैं इस दफा? वोट इमरान खान को। किसका वोट? जो भाई जी का उसके। किसका वोट है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। किसका? इमरान खान का जी इंशाल्लाह। क्या वजह है? वजह ये है कि वो ठीक जा रहे हैं। पहले किसे दिया था? पहले हमारे मुस्लिम लीग नून के साथ होते थे। इंतखाबी निशान ले लिए, अपने कैंडिडेट के सिंबल को पहचान लेंगे। हाँ जी बिल्कुल इंशाल्लाह। किसका वोट है इस दफा? इमरान खान का।
तरीके लंबाई टीएलपी का वोट है, क्या वजह है, मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल 100% इन्हें मौका मिलना चाहिए। आजकल ये चोर चकों से तो गुजारा नहीं होता ना हमारा, जो मेहनत मजदूर तबका वहीं का वहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा चेंज चाहते हैं। तो वो दीनी जमात है, इसे बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। किसका वोट है? इमरान खान। क्या वजह? वजह अभी भी वजह पता होनी चाहिए। इंतखाबी निशान ले लिया गया है, अपने कैंडिडेट के सिंबल को कैसे पहचानेंगे? याद है हमें, याद है सिंबल इंशाल्लाह। मियां साहब से कोई मोहब्बत नहीं? पहले डालते रहे उन्हें, कोई उन्होंने किया क्या है? इस बार एक नया मंशूर लेकर आए हैं, उसमें कौन सा? काफी वादे किए हैं उन्होंने, नए चोरी का। अच्छा, आप ही यहाँ पाकिस्तान में रहती हैं, यहाँ आप बताएं कौन सा मंशूर है उनका? कह रहे नौकरियाँ देंगे हम, गुर्बत खत्म कर देंगे, घर घर दिए जाएंगे। उनकी जो थोड़ी सी रह गई वो खत्म हो जाएगी। थैंक यू जी, आगे बढ़ते हैं। काफी भाई, किसका वोट है? नवाज शरीफ का। क्या वजह है? शहर है हमारे इलाके का आदमी है वो, हम उसको काम करवाते हैं, काम कराते हैं वो। इस बार मंशूर पर है आपने? इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत के साथ, और खान साहब को देना, उसने हमारे ये हालात कर दिए, हमारी दुकानें तक हमारी खोली हैं। किसका वोट है आपका? खान का। खान का वोट आपके साथ बैठे हुए तो खान को दे रहे हैं? नहीं, वो मेरा छोटा भाई है, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल और करम से नवाज शरीफ को वोट डालेंगे। मियां साहब का इस बार का मंशूर पर है आपने? इंशाल्लाह, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? बिलावल कहता है कि मेरा मंशूर बिलावल तो इधर हो ही नहीं सकता, वो तो खा बिलावल तो वो बाहर आ गया, वो फाड़ी का नोनी का वोट है इंशाल्लाह। अच्छा जी भैया, किसका वोट है? वोट नोनी का। नोनी का पीटीआई। अंकल जी किसे वोट देना है? नवाज शरीफ को। मियां साहब का वोट है, क्या वजह है? बस मियां साहब को देना है। हाँ जी, कारकर्दगी की बिना पे देना है। हाँ जी बिल्कुल। किसका वोट है? नवाज शरीफ साहब मंशूर पर है इस दफा का, इस दफा उनका मंशूर पर है। बने बने मैं हवा आके दे, बिलावल कहता है इन्होंने मेरा मंशूर कॉपी किया है। नाम क्या लेना, वही बात है, नाम जो लेगा उसे अंदर डाल देंगे। कौन अंदर जाएगा? जिनके बच्चे हैं, बच्चों को पालेंगे या अंदर जेलें भुगतेंगे? लोग तो ये चाहेंगे कि भाई अपनी जान छुड़ाओ और अपने काम से काम जो यहाँ क्या लाते हैं। मेरी बहन किसे वोट कास्ट करना चाहती है? वोट यही सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल किसके हाथ में, किसको वोट डालें। अब बच्चों को हम लोग इस वक्त पढ़ाने के हाथ इतने के तंग हैं, पीडीपी के बुक्स हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। किसी भी स्कूल की, छोटे से छोटे प्राइवेट स्कूल को ले लें, 5000 से कम उसकी फीस नहीं है। और गवर्नमेंट में ले जो क्या है, टीचर्स हैं, क्वालिफाइड है, सब कुछ है, एमफिल है, एमबीए है, इससे भी, लेकिन पढ़ाना नहीं है। बेशक उन्होंने पार्टीज करनी है। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने बच्चों को गवर्नमेंट में डाला, फीसों के हाथों तंग आके, तो क्या है जी, हफ्ते में 3 दिन पार्टी चल रही है, और जो 3 दिन पढ़ाया जाता है, 2 दिन उसमें भी क्या था, एक क्वेश्चन एक्टिविटीज के लिए पैसे मंगवाए जा रहे हैं घर से। नहीं ऐसा कुछ नहीं, उस पे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ ये था कि पार्टीज थी, ठीक है। अच्छा, और बच्चे क्लासेस में एक क्वेश्चन करवा दिया, उसको पूरा हफ्ता जी रटते रटते, जो नहीं पढ़ते ठीक है वो नहीं पढ़ते, जो पढ़ने वाले बच्चे वो क्या करें, तंग आके गवर्नमेंट से उठा के प्राइवेट में। कौन सा ऐसा हुक्मरान है जो आ गया तो बेहतरी आ जाएगी? किसका सोचे, किसका इस वक्त वोट कास्ट किया आपने? आप किसे दिए? मैं पहले नून लीग को ही डालती हूँ। अच्छा, लास्ट ईयर किसे दिए? तो लास्ट ईयर नून लीग को, 2018 में भी। इस बार कौन लगता है कि आपको आपके वोट का असर लगता है? यही तो परेशान है, किसको डाले, बच्चों का मुस्तकबिल क्या है हमारे? चलो कोई एक 10वीं दियो हम अभी यही तो डिसाइड नहीं किया किसको डाले। ठीक है जी, डिसाइड नहीं है। भैया किसका वोट है? मेरा तो कहना ये, अगर मुल्क को बचाना ना तो शेर को वोट डाल दे, क्योंकि जो हालात पहले भी तो आए हैं वो। नहीं नहीं, उन्होंने किया, मुल्क को थ्रेट किया, जो 3-4 साल में जो मुल्क के हालात इमरान खान ने कर दिए ना, मेरा नहीं ख्याल कि अब इसको दोबारा आजमाना चाहिए, आजमाया को दोबारा ना आजमाओ। शेर ने पहले ही बड़े अच्छे काम किए हैं, तरक्की काम किए हैं, रोड बनाए, हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, इसने और इसने इमरान खान ने बताया क्या किया, कुछ भी नहीं किया। सवाए इस बार का मंशूर पर है आपने मियां साहब का, क्या क्या करने वाले हैं? वो बहुत कुछ करेंगे, जो कुछ कहता है तो मंशूर ही मेरा कॉपी। बिलावल तो अभी बच्चा है, वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, उसकी कोशिश कॉपी पेस्ट करके इन्होंने
में मंशूर शाया करती है। अगर वो मचोर होता तो उसको मौका देते, लेकिन मियां साहब मचोर है, वो कुछ करके दिखाएंगे, हमें पता है, हमें उनसे उम्मीद है। जब भी वो आते हैं ना हमारे कारोबार जो ना बहुत ऊपर होते हैं, तो जब वो ये पिछले 5 साल इमरान खान का दौर था, जो हमारा कारोबार ऐसे हो गया था जैसे हम बहुत ही गरीब हो गया। जब मियां साहब का दौर होता है हमारा कारोबार छोटा सा कारोबार भी होता है, असल हम बहुत अमीर हैं। तो हमारा तो यही कहना है कि शेर को वोट डालें। अच्छा जी, इनकी राय हमने शामिल कर ली है, अब बता दे सोच लिया होगा। भी डालना उन्होंने भी। अभी सोचेंगे, देखेंगे कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल किसके हाथों, बस हम लोग ये चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, मजीद राय आपके साथ शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, किसे वोट दे रहे हैं इस दफा? वोट तो दिल नहीं करता किसी को देने को, लेकिन देखेंगे अभी नहीं फैसला। पिछली दफा किसे दिया था? पहले तो इमरान खान को दिया था, अब इमरान खान को तो बिल्कुल नहीं देना। अच्छा, मियां साहब का इस दफा वोट? इस दफा अभी सोचा नहीं है। अभी सोच रहे हैं? सोच रहे हैं। चंद दिन रह गए वैसे, बता ही दे। अभी जेन ही नहीं है, जेन ही नहीं है देना, क्योंकि महंगाई इतनी है, परेशान है लोग, पैसे पैसे से परेशान है, खाने पीने से परेशान है, महंगाई से परेशान है, क्या करें, हालात इस किस्म के बने हैं, कोई ये जेन ही नहीं मानता इनको वोट देने का। इमरान खान को, आई लव यू इमरान खान, प्राउड ऑफ यू। मियां साहब से कोई मोहब्बत है नहीं? मियां साहब से मोहब्बत है, लेकिन देखिए मियां साहब ने सड़कें बनाई है, इमरान खान ने दुनिया को बड़ा कुछ दिया है, मीडिया में भी आपको पता है इमरान खान का नाम है। अल्लाह उसको खुश रखे, अल्लाह उनको खुश बात रखे, इमरान खान को, आई प्राउड ऑफ यू इमरान खान। इंतखाबी निशान ले लिया, आप अपने कैंडिडेट का सिंबल पहचान लेंगे? जी अल्लाह के दिल से पहचान लेंगे मैडम। किसका है जी वोट? बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। देखिए मैम, सबसे पहले तो वोट उस बंदे का जिसके नाम लेने पर वो बंदी है, और देखें सर फर्स्ट ऑफ ऑल के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इमरान खान को वोट देंगे, और जाहिल लोग हैं वो नून लीग को वोट डालेंगे। ये कंपैरिजन इस वक्त जंग इमरान खान की नहीं है, ये जंग हमारी अपनी है, लिटरेसी की है। जी देखें, ये जंग है शऊर और जाहिलों के दरमियान। आप खुद कंपैरिजन कर लें एक बहादुर लीडर का एक गुस्से लीडर से। मैडम आपको बताओ, कहते हैं जी मोटर पे बना ली, क्या कहेंगे इस हवाले से? बड़ी गहरी बात कर दी है, यंग से बच्चे हैं, क्या कहेंगे? क्या कुछ नहीं कह सकते, सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो खान साहब को वोट कास्ट करेंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात, क्या पूरा जुमला था आपका? देखिए पढ़े लिखे लोग हैं ना जो, वो इमरान खान का वोट देंगे, और जितने जाहिल अवाम है ना वो नून लीग का वोट देंगे। आप इनसे पूछे, मैं इनको सेटिस्फाई भी कर रहा हूं। ये ऐसे भाई गलत कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, तो ये भाई शोरी बात की है भाई ने। जो शोर बंदा ना कभी ऐसा नहीं कहेगा कि अनपढ़ खुदेगा, ये तो अपने जहन की बात है ना, जो हमें लगा हमने वो किया, हमने इनको फील किया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ की क्या नाम है, मियाँ साहब ने बहुत से काम किया, इमरान खान ने भी काम किया, क्या इमरान खान की कोई शुगर मिल निकली, एमन फीड में कोई फ्लाइट निकले, कहाँ पे उसकी फैक्ट्री, इंग्लैंड में युगांडा में कहाँ पे, हमें गिनाए हम भी देखते हैं, उसकी कोई शुगर मिल निकली हमें भी बताएं, उसने करप्शन की, उसने कोई क्या नाम है तोशा खान से 2 करोड़ की घड़ी चढ़ाई है, वो तो एक साइन कर दे तो लोग दीवाने होते फिरते हैं कि यार हमें यहाँ पे साइन कर दें। इमरान खान का कुछ नहीं था, ये कहने का मकसद है, अगर भूखे बंदे को सीट पे बैठा देंगे वो सारा लूट के खा जाएगा। वो कह रहे हैं कि खान साहब अगर साइन कर दे तो वो करोड़ों की बिक जाए। आप 2 करोड़ की घड़ी की खाते हैं, 2 करोड़ की घड़ी की खाते हैं, क्या नाम है इमरान खान भी तोशा खाना क्या तोशा खाना, मुझे बताइए। सर एक मिनट, जो आपके मियाँ साहब ने वहाँ से क्लीन तक ले गए, वहाँ से उसका कोई हिसाब नहीं है, अच्छा जी गाड़ियाँ तक ले गए उसका कोई हिसाब नहीं है। तो जब इमरान खान साहब आए तो उनको वहाँ की गाय तक नहीं थी। जवाब अच्छा, कॉर्नर हाउस। जब इमरान खान, यहाँ कितनी प्रॉपर्टी है ये बताएं मुझे, पाकिस्तान में इस वक्त हम लोग घर नहीं बना सके, सारी जिंदगी गुजार देंगे, ठीक है? मियां साहब के यहाँ भी महल है, लंदन में भी महल है, बताए ना, यहाँ भी हमारी जिंदगी गुजार देंगे, घर नहीं बना सके। वो बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस कमा के को बढ़ाना हम लोगों के लिए मुश्किल हो चुके हैं, महल सोचना बड़ी मुश्किल है, जो खुद बिजनेसमैन होगा ना तो मरले का घर नहीं बना सकते। देखें सर, अगर तो पाकिस्तान इतना अमीर होता, आज मेरे 4 मरले का घर होता, इनका 4 मरले का घर होता, उसका 4 मरले का घर होता, इनका 4 मरले का घर होता, किसी का घर, आपका 4 मरले का घर है बना, 4 बार उनका हुकूमत मिली, क्या उन्होंने पाकिस्तान को अमीर बना दिया? हमने नहीं कहा हमारे लिए दूध की नहरें बहाए, ये मोटरवे बनाए, ये ऑरेंज लाइन स्टेशन बनाए, मेट्रो चलाए, हमने नहीं इस चीज का कहा, इन्होंने अपनी खातिर किया। खान साहब ने आके कहा, ओए जाहिलो उठो, ये तुम्हारे टैक्स का पैसा है जो बाहर जा रहा है, यही वो खा रहे हैं। हाँ जी, आप वो भी कर्जे ले लेंगे। बिल्कुल ठीक है ना भाई,
आज मेरा चार मंडले का घर होता है, इसका होता है ये अमीर होता, क्या नाम है ये भाई ने जो रेडी लगाई हुई है वहाँ पे, आज उसकी अपनी दुकान होती, उसने ऊपर लिखा होता कि ये मेरी ये दुकान है, यहाँ पे आके अल्हम्दुलिल्लाह सबके घर है, मेरा नहीं ख्याल है यहाँ पे किसी का अपना घर नहीं होगा, आपका भी होगा, आप कह रहे हैं ना, अभी आप चेक कर ले आपका भी घर निकलेगा अपना, वो भी चेक कर लेते हैं, अमीर पाकिस्तान होता तो कैसी बातें कर रहे हैं सर आप, फिर बात करते हैं जाहिल और शोर बंदों के दरमियान, मैंने तो आपको एक जुमला कहा, जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो खान साहब को वोट देंगे, कहना यही है, हम तो यही कहेंगे अगर मुल्क को बचाना ना शेर को वोट डाल दें, सर कैसे बचाएं मुल्क को मुझे बताएं ना आप मुझे बता दें, चार बार उन्होंने मौका दिया, उनको मौका दिया, अब ये 16 माह में जो क्या नाम है हुकूमत मिली है उनको क्या किया उन्होंने, 150 पेट्रोल तक कहाँ ले गए मुझे बताएं, अब क्या वो भी वो क्या नाम है, मेरी बात सुने सर, ये मैं एक शीशे का गिलास नीचे फेंकता हूँ, आप मुझे ये जोड़ के दिखा दें, तोड़ के पाकिस्तान खान साहब के हवाले कर दिया, और फिर कहते हैं सर जोड़ो, वो इमरान खान ने तोड़ा, वो तो आपके मियाँ साहब ने तोड़ा आगे, जी ऐसी बहस है जो बिल्कुल भी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि वोटर सपोर्टर हमेशा अपने लीडर को भरपूर सपोर्ट करते हैं और दिलो जान से सपोर्ट करते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन सपोर्ट करना है, किसका वोट है, आई लव यू इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान शेर, अब मैं अलग अलग बस इन्हें हमने रखा हुआ, ये शेर छोड़ के आएंगे आज, आज ये जंगलों में जाएंगे वापस, ये मानते नहीं, इनको कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हक सच का साथ दो, शेरों ने क्या करके देना, खाली रोड्स बनाने से और ये दीगर काम कराने से नहीं, सबसे पहले है कि मुल्क में इंसाफ होना चाहिए, गरीबों के साथ भी, अमीरों का अमीर बंदा आता है उसके लिए प्रोटोकॉल है, थाने के चेहरी हर जगह, माड़े बंदे की आज भी दरखास्तें ऐसी टेबलों के नीचे बड़ी मिट्टी लगी हुई, तो इंसाफ सबसे पहले होना चाहिए, लीडर कोई भी आए लेकिन अपना हक अदा करके जाए, हमारा मुल्क बहुत पीछे रह गया सारे ममालिक से, बेशक बेशक जी, अब कुछ भी नहीं रह गया, बस अब यही पे काम है कि इंशाल्लाह खान के लिए दुआ करें, अगर वो आता है मुल्क के लिए कोई बेहतरी होगी, बहरहाल इस टाइम तो वही नजर आता है लीडर, उसके अलावा जितनी मर्जी टीमें खड़ी हैं हमारी नजर में सब फेल है, हाँ जी असर हुआ कोई, ये मेरा शेर ही है, क्या शेर के भी दसो, वजह ये है कि जब नवाज शरीफ था तब पेट्रोल बहुत सस्ता था, दूसरी चीजें बहुत महंगी थी, हमने 2 साल इमरान खान ने हुकूमत की है, और 2-3 साल साढ़े 3 साल उसमें कोई चीज़ की कमी पेशी नहीं आई, ठीक है पामे वो भी चोर है, लेकिन जब आप 2-4 साल पहले देख लो गंजा गंजा उसी अपने लीडर को चोर कह रहे हो, गंजा भी वो इसलिए ऐसे कह रहा हूँ कि उसके दौर में महंगाई नहीं थी, अच्छा चोर दोनों ही हैं, लेकिन उसके दौर में महंगाई नहीं थी, पेट्रोल सस्ता था, रोटियां वगैरह सस्ता थी, खाना पीना सस्ता था, सुने ये खाली ना रोटी बोटियों पर आ गए हैं, इन्होंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल ही देखने, उनका नहीं है अरमान भाई, सर ये आवाम अब वो आवाम नहीं रही कि आप एक ट्रक की बत्ती के पीछे लिखते हैं वोट यहाँ पर डालें और भेड़ बकरियों की तरह सारे उसी रास्ते पे चल पड़े, अब ये वो आवाम ये बिरयानी की प्लेटों पे क्या नाम है बोतलों की 2-2 हज़ार रुपया दे के ये आवाम वो नहीं रही, ये आवाम का शौर आ गया, उसने बताया ये तुम्हारा ही क्या नाम है, और अभी भी हक सच की बात करें ना, आज भी हक सच की बात करें तुम्हारे पुलिस थाना उठा के ले जाते हैं, इन्होंने थोड़ा जुल्म किया यार, वो भी था नवाज शरीफ भी था जेल से जेल रहे हैं, उनका पूरा खानदान जेल रहा है, वो भी तो जेल में रहे हैं, वो भी जेलें काटी हुई उन्होंने, किन्होंने जेलें काटी, ये नवाज शरीफ वगैरह उनको गोली लगी, वो बैठ भागा, उसने कहा कि मैंने इलाज करवाने लंदन जा रहा है यार, वो बूढ़ा वो बीमार था, उसके दिल का मरीज है नवाज शरीफ, अभी आप इमरान खान को छोड़ते हैं, मैं आपको कहता हूँ नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, नहीं वो इधर ही रहेगा और वो हारेगा नहीं, वो पक्का जीता हुआ, कैसे कह सकते हैं वो हारेगा नहीं, देख लेना वो, आप कैसे कह सकते हैं कि वो जीतेंगे, देखिए जितनी भी मोस्टली कम्युनिटी है यूथ डायरेक्ट रोड से ऊपर जो वोट सुने लोग, एक मिनट लोग कहीं लीडर ही नहीं है, एक मिनट इरफान भाई तो लड़ रहे हो, लोग शेरों के साथ भी है लेकिन दिल से इमरान खान के साथ, वो कह रहे हैं आप आजाद लड़ रहे हो, आपका तो लीडर ही नहीं है, अलीम खान तुम्हारा ही बंदा था ना, अलीम खान कहता है कि मैं ये नवाज शरीफ के सामने बैठा दो, सबके सामने मीडिया के सामने रख दो, इमरान खान मेरे सामने क्यों नहीं आता, आज वो शेर की तरफ क्यों चला गया, चले मैं इस बार का जवाब दो, अलीम खान आपका बंदा था कि नहीं, चले हमारा वो बंदा था, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ, पीटीआई एक समुंदर है और इन लोटों से समुंदर का पानी खत्म नहीं होगा,
पहले आप अलीम खान की कदर करते थे, सारा पैसा लाहौर में अलीम खान ने लगाया, आज सारा खड़ी शो धर्मपुरा अलीम खान ने बनाया, और आज अलीम खान को चोर कह रहे हैं, लोटा कह रहे हैं अपने ही बंदे को, कभी वो क्यों भागा? ये देखें, ये बच्चों के नवाज शरीफ की चौबाज लग रही है, ठीक है, अलीम खान को कैसे समझाएंगे आप? बात का जवाब दो, अलीम खान क्यों भागा? अलीम खान कहता है मेरे पास इतना पैसा है, इमरान खान मांगे मैं तब भी दूं, पहला सारा पैसा अलीम खान ने लगाया, अमीर हूँ कह रहा है मेरे घर के बुआ जाके लाखों वहाँ बैठी होती है, मैं पैसे शेर को डाल रहा है, लेकिन अलीम खान मैं बता रहा हूँ इनकी पार्टी का बंदा क्यों भागा? आपने वोट शेर को डाला, तो बहुत सी मिसालें हैं आपकी पार्टी में भी भागा है ना, लेकिन वो भी अब शेर की तरफ भागे, बात करें तो आपकी पार्टी में भी पार्टी की बात यही कहना चाहूंगा, जिनको शौर आ गया ना वो पीटीआई के साथ है, जिनको शौर नहीं ना आया वो अब तक शेरों के साथ ही बैठे हुए, बस जी। आज हम PP 149 में मौजूद है, यहाँ पे हमने आपको इलेक्शन सर्वे दिखाया, कई लोगों की राय आपके साथ शेयर की, जो लोग अपने वोटर्स वोटर आपने कई ऐसे देखे जो अपने लीडर को बेपनाह मोहब्बत करते हैं, पसंद करते हैं, और उनके पास वोट कास्ट करने की सिर्फ यही वजह है, और कुछ लोग ऐसे मिले जो कारकर्दगी की बिना पे अपने लीडर को वोट कास्ट करना चाहते हैं। एक नए इलेक्शन सर्वे के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।